नमस्कार, 12:10:14। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर लाइव सुन रहे हैं और रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं का, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। उद्देश्य है आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का। हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है letsconnect23nsd@gmail.com। आज हमारे साथ लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम में विशेष मेहमान हैं बहुभाषी लोक गायिका विजया भारती जी, और मैं हूं अलका सिंह। विजया जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार अलका जी, और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं जो इस विशेष कार्यक्रम को सुनने बैठे हैं। मैं आप सबों का अभिनंदन करती हूं। बिल्कुल, और आपका अगर हम आपके परिचय की बात करें तो आप बहुभाषी गायिका तो हैं ही, आपने भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और इसके साथ साथ आपने 18 भाषाओं में आपने गायकी है आपकी। करीब 22 देशों में आप घूम चुकी हैं और कहें तो भोजपुरी गायकी उसका परचम आप लहरा चुकी हैं, कई मंचों पर सम्मानित हो चुकी हैं। और जो मुद्दे हमारे होते हैं, कई तरह के मुद्दे हैं जो महिलाओं से संबंधित भी होते हैं या समाज में जो भी कुरीति होती है, उस पर आपकी कलम भी चलती है और उस पर आपकी गायकी भी होती है। बिल्कुल अलका जी, मैं जितने मनोयोग से गाती हूँ उतने ही मनोयोग से लिखती भी हूँ। बचपन से जब से गा रही हूँ तब से लिख रही हूँ। हाँ, तब की लेखनी कच्ची थी, गायकी भी कच्ची थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और समय के साथ साथ उसमें परिपक्वता आती जा रही है, आती जा रही है। तो ऐसा होता है। बिल्कुल, तो ये तो हमने आपका छोटा सा परिचय करवाया था और संगीत बाकायदा आपने सीखा भी है जी। तो ये तो हमारा एक छोटा सा आपके लिए परिचय था, लेकिन आप जो बातें हम नहीं बता पाए हैं जरा उसको लेकर के अपना परिचय दीजिए। परिचय बस यही है कि मैं बिहार से हूँ, बिहार की एक बेटी हूँ, और लोक गायकी का रास्ता मैंने अपनाया, चुना और लेकर आगे बढ़ती रही हूँ, बढ़ रही हूँ। अब तक आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया। और आगे समय के गर्भ में क्या है ये तो पता नहीं। बस चलती जा रही हूँ, गाती जा रही हूँ, धुन बनाती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ। और पारंपरिक लोकगीतों का जितना भी कोष है, वैसे गीत जो लुप्त हो रहे हैं, जो अब नहीं लोग गा रहे हैं, ऐसे गीतों के कलेक्शन में, ऐसे गीतों को जमा करने में मैं बचपन से लगी हूँ और आज भी लगी हूँ। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो जो हमसे छूटती जा रही हैं, उनको सहेजना। और ये जो सहेजना तभी होता है जब जो गायक है या जो गीतकार है, जो लेखक है, वो अधिक से अधिक संवेदनशील हो। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उसे ये लगता है कि जो अच्छी चीजें हैं वो हमेशा एक तरह से सुरक्षित और संरक्षित रहनी चाहिए। बिल्कुल, और हमारी जिम्मेवारी बन जाती है अलका जी। जब मुझे एक लोक गायिका के रूप में दर्ज किया गया, सबों ने इतना प्यार दिया और इतनी उम्मीद मुझसे रखी, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उन अपनी धरोहर को, अपनी चीज को, अपने गीतों को मिटने न दूं। जितनी मेरी क्षमता है मैं बहुत कोशिश करूं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम में से हर कोई अगर अपनी जिम्मेदारी हम जितना दे सकते हैं, क्योंकि हम लेते इतना ज्यादा है और शायद सबसे हम लेते ही हैं, तो जो हम लेते हैं अगर उससे उतना भी अगर हम दे सकें, समाज को लौटा सकें, तो आपने जैसा कहा कि बहुत ही बेहतर और बेहतरीन समाज बन सकता है और बन रहा है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस तरह से धीमे धीमे गति में अपना काम किए जा रहे हैं, और जो हमें बहुत कुछ अच्छा दिखता है वो उन्हीं की वजह से होता है। अच्छा, ये तो आपने बताया। फिर जो सबसे पहला सवाल अगर हम उसके बाद आपके परिचय के बाद करें तो ये है कि और भी बहुत सारे क्षेत्र थे, लेकिन संगीत को ही क्यों चुना? देखिए, संगीत मेरे हिसाब से ऐसी विद्या है, ऐसी कला है जो कि चुनने से नहीं होता है। संगीत ही आपको चुनता है। अच्छा। माँ सरस्वती कृपा करती हैं तब आप संगीत के लिए चुने जाते हैं। मैं पढ़ाई में भी आपको बताऊं कि अच्छी रही, पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही, और साथ साथ गायकी में भी
लोगों को लगता था बचपन से ही, जब बहुत 2.5 साल 3 साल की उम्र की थी तब से जब सुनते थे लोग बोलते थे बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। उस समय मैं क्या करती थी, फिल्मी गानों की नकल करके गाती थी। हाँ, हाँ, हाँ। छोटी सी बच्ची, कई लोगों का रोना भी गाने की तरह ही होता है। तो मेरे पापा के मित्र वगैरह, परिवार के और कोई रिश्तेदार आते थे, बोलते थे जहां कुछ होता था मैं पर्दे की ओट में छुपी खड़ी इंतजार में रहती थी मुझसे कब गाने के लिए बुलाया जाए। तो बुलाया जाता था तो मैं गाने गाती थी उस समय। तो ये रुचि बढ़ती गई और आवाज में भी की क्वालिटी भी थोड़ी निखरती गई। तो एक समय आया जब सीखने की बात उठी, गाने की बात उठी, तो इसके बीच में तो बहुत कहानी है, लेकिन हाँ ऐसा हुआ कि संगीत को मैंने चुन लिया, पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखी और संगीत को भी लेकर आगे बढ़ी। बिल्कुल। और अगर बात उस समय की करें जब आपने संगीत को चुना या संगीत ने आपको चुना, उस समय की अगर बात करें, उस समय के परिवेश की बात करें, उस समय के पारिवारिक जो हमारे परिवार हुआ करते थे उसकी बात करें, तो क्या ये जो चुनाव था संगीत का, पढ़ना तो बहुत अच्छा है कि भाई लड़की पढ़ रही है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कर रही है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, वहां तक तो बात बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अगर ये लड़की गाने लगी या ये लड़की इसका नृत्य का कुछ शौक है, तो इसमें परिवार, आपका पड़ोस परिवार और परिवेश, ये कितना सहायक हुआ और कितना बाधक हुआ? ये मैं क्रम से जवाब दे दूंगा, आपने एक साथ बहुत सारा सवाल पूछ लिया। मेरे तो संगीत को कैसे मैंने चुना, संगीत ने मुझे कैसे चुना, बस मैं पागल हो जाती थी, मैं बिना गाए नहीं रह सकती थी, मैं बिना अच्छा संगीत सुने नहीं रह सकती थी। एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता था जो हमेशा मेरे पास होता था, वो खराब भी हो जाता था, दो भाई बहनों में झगड़ा भी हो जाता था कि कौन सुबह उठ के पहले रेडियो को अपने कमरे में। आकाशवाणी परिवार से आप बचपन से जुड़े हैं, हम कह सकते हैं आकाशवाणी का तो बहुत महत्व है मेरे करियर में, बहुत, और आकाशवाणी को आज भी मैं उतना ही महत्व देती हूँ, आकाशवाणी से ही मेरे गायकी की शुरुआत हुई। तो फिर हम यही बोलते थे, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, तो मैं संगीत के लिए ये बोलती थी। तो संगीत ने भी चुना, बहुत सारे संघर्ष आए। आपने कहा पढ़ाई लिखाई, अलका जी मैं उस ब्राह्मण परिवार से हूँ जहाँ पर कि लड़कियों को संगीत तो दूर की बात रही, पढ़ना भी ज्यादा अलाउड नहीं था, उसकी भी अनुमति नहीं थी, वहीं तक पढ़े जहाँ तक की शादी हो जाए। हाँ, बस मैंने 10वीं पास किया, 10वीं में मैंने अपने मैट्रिक जिसको बोलते हैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट किया था, और बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी मैं। बहुत मध्यम वर्गीय परिवार था हमारा, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो बस यही था कि बस इसके बाद ये ना पढ़े, आगे पढ़ने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। फिर ऐसा हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगा, मेरी कॉलेज की, स्कूल कॉलेज सबकी फीस मेरी हमेशा माफ रही, बहुत बढ़िया, और स्कॉलरशिप मिलता रहा, तो साथ साथ पढ़ने में सहूलियत हुई, बाकी मैं किसी तरह मम्मी पापा को मनाती रही, पांव दबाती रही, पढ़ने की अनुमति लेती रही, लेकिन गाने के बारे में तो पूरा समाज विद्रोह कर उठा, मतलब रिश्तेदारों वाला समाज, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी समाज तो तारीफ करते थे समाज के लोग, लेकिन रिश्तेदारों का समूह उठ गया, पड़ा कि ब्राह्मण की बेटी कहीं गाना गाती है, उसके साथ पांच लोग गाना गाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और खास करके महिलाएं ही, चूंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि महिलाओं का प्रोग्राम है, हमारी बहुत महत्वपूर्ण महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं या जो वर्किंग हैं या जो भी हैं जो सुन रही हैं, मैं आप सबों के बीच में शेयर कर रही हूँ अपना दर्द कि इतना विद्रोह सहना पड़ा, इतना विद्रोह सहना पड़ा, इतना संघर्ष झेलना पड़ा, बाल विवाह का कष्ट भी झेलना पड़ा, और सब कुछ झेलने के बावजूद लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी, मैं आगे बढ़ती गई, रास्ते मिलते गए, मौके मिलते गए, नाम होता गया, और सफर चलता रहा, चल पड़ा। बिल्कुल, मतलब जो एक आपकी भी जो जिद थी, जो एक जुनून था आपका, उसने वो कहीं ना कहीं वो पैशन तो होना ही चाहिए। मुझे लगता था दो टाइम का खाना मत दो मुझे, पानी मत दो मुझे, बिल्कुल, लेकिन मैं गाय बिना नहीं रह सकती। बिल्कुल, तो आपकी इस बात पे ही ना वो शिव मंगल सिंह सुमन की जो वो लाइने हैं कि नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघ्न न डालो, क्या बात है ना, और हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कनक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो ये जो एक अंदर का जो एक पैशन होता है, क्योंकि जैसे फूल है वो
वो खिलना चाहता है तो खिलने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी तरह से सूरज है वो निकलना चाहता है, निकलने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी तरह से अगर विजया भारती जी गाना चाहती थी और उनके मन में ये बात थी कि नहीं मुझे एक दिन बहुत अच्छा और हर जगह मुझे अपना परचम लहराना है, तो वो धीरे 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 वो ये उस समय नहीं पता था कि परचम लहरेगा कि क्या पाऊंगी या क्या बनूंगी या सफर कहां तक जाएगा। बस उस समय ये लगता था कि मेरे अंदर बहुत सारी धुनें बुलबुला रही हैं, मेरे अंदर बहुत सारे राग जो सुन के स्कूल में आते हूँ गुरुजी से या सीख रही हूँ, तो वो मुझे दिन रात रियाज करने के लिए तड़पाते थे। मैं गाय भी ना रह नहीं सकती थी, रेडियो पर अच्छे अच्छे लता जी के, गुलाम अली के और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत सुने बिना नहीं रह सकती थी, तो मैं कैसे रह सकती थी, नहीं रह सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी ब्रेक लिए बिना नहीं रह सकते हैं, तो बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर लाइव सुन रहे हैं और रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं का, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। उद्देश्य है आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का। हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल से भी जुड़ सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है letsconnect23nsd@gmail.com। और आज हम बातचीत कर रहे हैं बहुभाषी लोक गायिका विजया भारती जी से और मैं हूं अलका सिंह। विजया जी, आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। धन्यवाद। और हमने ये बात की कि किस तरह से उन परिस्थितियों को, उन बाधाओं को लांघ करके और आपकी जो इच्छा थी जी उसकी आपने पूर्ति की। बिल्कुल। और वो इच्छा तो आपकी थी, लेकिन उससे क्या हुआ कि भोजपुरी जो संगीत है, गीत है, मैथिली, अंगिका, मगही, इसके साथ साथ अन्य भाषाएं भी, उसको भी एक बहुत अच्छी गायिका, लोक गायिका के रूप में मिली। तो ये जो लोक गायकी की जो बात है जी, तो लोक गायकी ही क्यों? लोक गायकी इसलिए अलका जी कि ये तो उस समय मेरा भटकाव था थोड़ी देर के लिए, मेरी अल्पज्ञता थी, अब मैं नहीं जानती थी। मैंने जब मुझे परमिशन मिला घर से कि हाँ अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत गा सकती हो, मैंने आकाशवाणी में फॉर्म भर दिया। मेरा नियरेस्ट आकाशवाणी था आकाशवाणी भागलपुर। अच्छा। तो भागलपुर में मैंने जब फॉर्म भरा तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे किस में भरना चाहिए, किस कैटेगरी में भरना चाहिए। अच्छा अच्छा। सबने कहा लोकगीत में भर दो, लोकगीत में भर दो। लोकगीत में भर दिया। तो जब ऑडिशन के लिए आया तो 283 कैंडिडेट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरे पापा को थोड़ी खुशी हुई और गर्व हुआ कि अच्छा कुछ बात तो है, तभी तो ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं लोकगीत जुटाने में लग गई और जहाँ पे लोकगीत नहीं जुटते थे मैं लोकगीत बनाने में लग गई। अच्छा। और कैसे वो जुनून बढ़ता गया। फिर तो आगे पढ़ाई लिखाई रिसर्च इस सब के दौरान लोकगीतों में ही पूरी तरह रम गई। बिल्कुल। तो लोक गायकी जो है वो इस तरह से बढ़ गई, बढ़ी जी। बहुत अच्छा हुआ। और अगर हम जैसे जब हम भोजपुरी की बात करते हैं तो हमें भी याद है कि जब हम लोग भी एनएसएस में थे तो एक हमें बहुत अच्छा एक हमें गीत सिखाया गया था कि सुंदर रस भूमि भैया भारत की मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोरिया। ये रघुवीर नारायण सिंह, बाबू रघुवीर नारायण सिंह की रचना है। बिल्कुल उनकी। और ये भोजपुरी का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम लोग भी जब राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कहीं जाते थे तो हमें ये जब गीत सुनाया जाता था और सिखाया भी जाता था, हम लोग इसे गाते भी थे, तो एक सब कुछ है हिम कोतवलवा है ना, इस तरह से वो गंगा धारा में। हाँ बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। सुंदर सो भूमि भैया भारत के देशवा से मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवलवा से, एक द्वारे घेरे रामा हिम कोतवलवा से, तीन द्वारे सिंधु घर
रावे रे बटोहिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गीत है। मतलब बिल्कुल ये अगर जिसे भोजपुरी लोगों को हिंदी की तरह समझ भी आती है कि एक द्वार तो हिम कोतवाल हिमालय ने घेर रखा है और तीनों तरफ जो है वो सिंध आपका अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है, तो तीनों तरफ से आप इससे, तो ये बिल्कुल राष्ट्रीय गीत है। और जब आप सुना रही थी तो जैसे लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकदम वो अंदर तक वो अनुभूति होती है। तो इस मैंने ये इस बात को आप ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि एक वो समय था जब भोजपुरी अपने पूरे उनवान पे, भोजपुरी गायकी हो, भोजपुरी फिल्म हो, मतलब हिंदी सिनेमा के समानांतर वो चल रही थी, जैसे पीपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की चीरें की जिया उदास, इस तरह की जितनी चीजें चली हैं, तो पियरी चढ़ाई वो हो या फिर बलम परदेसिया हो, बहुत सारे बरसेरा ललैया हो की रस चुहेला, मतलब इस तरह की जितनी चीजें होती थी उसमें एक अलग तरह का रस था, एक अलग तरह का, मतलब उसमें जो हम एक चल कहते हैं जो जी, मन में उठता है उन गीतों को सुन करके, लोक गीतों को सुन करके। लेकिन समय के साथ साथ अब अगर हम उन भोजपुरी गीतों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें गीत तो हम पता नहीं कहाँ, वो गीत संगीत तो कहाँ खो गया, लेकिन उसमें इतनी अश्लीलता आ गई है, तो इसके बारे अलका में जी, हमेशा जो है लाज, एक जो है ना लाज का एक पर्दा होता है। भोजपुरी संगीत अपने रस की वजह से बहुत, जिसको रसीलापन भोजपुरी संगीत में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, लेकिन उस पर्दे को अगर हम रस के पर्दे को हटा के कुछ करना चाहते हैं तो वो फिर मधुर नहीं रह जाता है। तो उस समय के गीतों में मधुरता थी, लाज की बात थी, सॉफ्ट प्यार था और पारंपरिक लोक धुन, माटी के धुन का पुट रहता था और मधुर स्वरों में गाए जाते थे, इसलिए बहुत ज्यादा असर करते थे और आज भी लोगों को याद है। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि ये बहुत दुखद है, वैसे आज के समय में क्या हो गया, जो नए उभरते कलाकार हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए पॉपुलर होने के लिए फूहड़ अश्लील गीत गा देते हैं और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट का आवाज के पैरेलल यूज करके गा देते हैं, क्योंकि स्वर नहीं है, बेसुरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गलत बात है, इससे उनको पॉपुलरिटी नहीं मिलेगी और पानी का बुलबुला है थोड़ी देर का। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अस्थायित्व चाहिए, अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, सही में गायक गायिका, लोक गायिका गायक बनना चाहते हैं, तो उन चीजों को उठाइए, पारंपरिक चीजों को उठाइए, उनको गाइए। मैं ये नहीं कह रही कि नए गीत नहीं बनने चाहिए, आप आगे मत बढ़िए, ये कोई नहीं कह रहा है, नए गीत बनने चाहिए, बनने वो सच है। आज के नए गीत आज के 100 साल बाद पारंपरिक गीत में दर्ज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नए गीत भी ऐसे होने चाहिए कि माटी की गंध हो उसमें, वो लोक धुनों के आसपास हो, वो सलीके के गीत हो, वो असली फूहड़ ना हो, तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। और ये अगर हम जैसे हम अपनी ये जो हमारा जो ये कार्यक्रम है लेट्स कनेक्ट, उसमें जैसे संगीत होता है वो बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। बिल्कुल। मतलब आप अगर किसी से बात कर रही हैं तो वो बात उसको शायद समझ में कितनी आती है नहीं आती है, लेकिन अगर एक अच्छा संगीत है तो वो एक ये आत्मिक होता है ना, आत्मा से जुड़ा। संगीत में देखिए, अगर आपकी भाषा कोई नहीं समझ रहा है और अब उसकी धुन और आपके स्वर में प्रभाव है तो नहीं समझने वाला व्यक्ति भी उसके असर हाँ, में उसके आ जाता कदम है। उसके कदम और उसका जो पूरा मतलब मन डूब जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो ये बात सिर्फ भोजपुरी की नहीं है, ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी आंचलिक जितनी भी लोक भाषाएं हैं उसमें वो चीज कहीं ना कहीं, और हर किसी को ये जरूर, जो समझदार हैं, जो समझते हैं इन चीजों को, उन्हें ये दर्द जरूर मन में है कि वो जो जैसे ये सब जो मैंने आपको गाने बताए ये मेरी मम्मी सुनती थी है ना, और मुझे वो बहुत अच्छा, और मैं हम भी यहाँ सुनते हैं क्योंकि उन्होंने हमें उससे परिचय करवाया और हमें लगता है कि अच्छा हाँ ये गाना कितना अच्छा था, लेकिन अब हम नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। क्योंकि वो लगता है कि शायद पता नहीं उसमें सुनने को कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है। बिल्कुल सही। तो ये इस चीज को, तो इसके इस क्षेत्र में क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं एक लोक गायिका होने के नाते, और वही मैंने पहले भी कहा था कि जितनी मेरी मैं अगर समझती हूँ कि मेरी जिम्मेवारी है और मेरे सफर में मैं काम लगातार कर रही हूँ, मेरे सफर में मुझे जहां भी जो मिलता है, मैं यहां तक कि मालिश वाली से, बर्तन वाली से, काम वाली से, गांवों में जाकर, मछुआरों की बस्ती में जाकर, आज भी जो पुराने गीत है उनको कलेक्ट कर रही हूँ, उनको गाती हूँ, उनको रिकॉर्ड करती हूँ, उनको लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। और अभी मेरा प्रयास है कि
एक रिसर्च करने की दिशा में मेरा प्रयास चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। उसमें पूर्वांचल के तमाम ऐसे लुप्त प्राय होते गीत जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत हैं, उसमें सारे रस है। श्रम गीत है, संस्कार गीत है, शादी है, ब्याह है, जो भी जन्म है, मरण है, सब है। तो उस सारे गीत आपको भोजपुरी में एक जगह कई संकलन मिल जाएंगे, अलग भाषाओं में मिल जाएंगे, लेकिन भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, इन चारों भाषाओं को संकलित करते हुए मैंने इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर भागलपुर तक, मतलब देवरिया से भागलपुर तक अगर आप कहें तो, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, सब सारा कवर करते हुए इस विषय पर रिसर्च करने की मेरी योजना बन गई है और बहुत जल्दी उस पर काम शुरू करूंगी मैं। बहुत अच्छा, और ये योजना बिल्कुल आपकी फलीभूत होगी और हमें भी बहुत अच्छा देखने और सुनने को मिलेगा। तो बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर लाइव सुन रहे हैं और रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं का, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। उद्देश्य है आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का। हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। हिंदी के श्रोता हमारा ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है letsconnect23nsd@gmail.com। आज हम बातचीत कर रहे हैं बहुभाषी लोक गायिका विजया भारती जी से और मैं हूं अलका सिंह। विजया जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। बिल्कुल, और जब बात लोक गायिके की होती है ना तो अपने आप मन में जो है वो बड़ी हलचल रहती है। तो हम ये कहेंगे कि हमने लोक गायिके की बात की, आपने हमें कुछ सुनाया भी, तो कुछ और सुनाइए। और सुनाओ, देखिए बसंत का महीना है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप मुझे भी देख ही रही हैं। हाँ बिल्कुल, बसंती बसंती, वैसे तो ये हमारी आवाज की दुनिया है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि बिल्कुल विजया भारती जी एकदम उन्होंने मतलब कि क्या कहा जाए, बिल्कुल बसंती बसंती। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माएं हैं, सखियां हैं, वो सब बिल्कुल बसंती मन मिजाज में जिंदगी की खुशियों में रहें। तो उनके लिए मैं एक अपनी रचना लेकिन पारंपरिक धुन पर सुनाती हूं। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। आइले बसंती राजा आइले हो, हरे आइले हो, आव सैया पलटनिया, आव सैया पलटनिया। आइले बसंती राजा आइले हो, हरे आइले हो, आव सैया पलटनिया, आव सैया पलटनिया। खिल गैला गेनावा पलसिया के कलिया, सरसों के फूलवा पियरी लहरिया, के पोरे 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 पीर लहरैले हो, लहरैले हो, आव सैया पलटनिया, आव सैया पलटनिया, आव सैया पलटनिया। बहुत बढ़िया, और हमारी जो कंसोल पे सुनीता जी बैठी हैं, उन्होंने भी एक उन्होंने भी कहा है कि जरा अगर कुछ शादी ब्याह का एक गीत हो जाए तो लोकगीत में तो एकदम आनंद आ जाता है। शादी ब्याह के तो बहुत सारे गीत हैं और शादी ब्याह की बहुत सारी रस्में भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, तो उसमें से मैं एक गीत सुना देती हूँ, कोई भी या तो हल्दी सुना दूँ या सिंदूरदान सुना दूँ, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। अरे कहाँ गईली सातो सुहागिनी सखिया सबके बोलावा हो, ए सखिया सबके बोलावा हो। अइले सु दिन दिन लाड़ो के सुंदर तनवा में हरदी लगावा हो, तनवा में हरदी लगावा हो। कहवा के में
के तेल बतावा हो, पटना बजरिया के तेल गमागम लाड़ो के हरदी लगावा हो, लाड़ो के हरदी लगावा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुनीता महेश्वरी भी एकदम खुश हो गई, और हमारे जो श्रोता, जो हमारी बहनें सुन रही हैं, वो भी निश्चित रूप से आनंदित हुई होंगी। और एक बात और देखिए कि जो आप हमें ये गीत सुना रही थी हल्दी का, तो इसमें देखिए कि कितनी अच्छी बात है कि आज हम इतने सारे क्रीम्स और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लेकिन वो जो चीज लगती थी है ना, वो हल्दी होता था, मेथी, दूब है ना, दूब, ये सारी चीजें, और फिर राई, जो पीली वाली सरसों होती है, वो उन सबको पीस करके आप और आज भी उसको लगा के बिल्कुल खिल जाता है, बिल्कुल चेहरा खिल जाता है। और आज भी अगर आप उस चीज को, हाँ अगर आप वैसे भी लगाएं, शादी में तो ये चीजें लगती ही हैं, लेकिन अब लोग थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा दूसरी तरह से लोग कॉशियस होते जा रहे हैं, तो अगर ये चीज लगाएंगे तो निश्चित रूप से एक तो आपका जो बॉडी जो है वो उसको डिटॉक्सिफिकेशन और जो भी कहिए कि त्वचा का रंग निखर जाता है, तो हमारे गीतों में भी जो है बड़े ही सही ढंग से ये सब चीजें कही गई हैं। और जो वो गीतकार हुआ करते थे उनको ये बात पता थी कि शायद आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भूल जाएगी, इसलिए कम से कम गीतों के माध्यम से ये सब चीजें लिख दो है ना, कि उन्हें कम से कम याद रहे कि वो हल्दी लगाएं है ना, उपटन के रूप में वो जरूर उपटन से अपना स्नान करने से पहले उपटन लगाएं, तो ये सब चीजें। या हम कई बार हमारे गीतों में ही जो आम महुआ की जो हम शादी करवाते हैं विवाह के मौके पर, जब आम महुआ की शादी होती है, तो यही लगता है कि वो भी एक तरह से प्रकृति का संरक्षण है, कि आप वृक्षों को ना काटिए है ना, क्योंकि अगर वृक्ष कट जाएंगे तो आम महुआ का विवाह बहुत एक सिम्बॉलिक है, लेकिन वो आम को बचाइए, महुआ को बचाइए, पीपल को बचाइए, तो ये सब जो अगर हम लोक जीवन की बात करते हैं तो ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। और बहुत अच्छा ही आपने वो समा बांधा। अच्छा, आपने गायकी के साथ साथ थोड़ा फिल्मों में भी आपने काम किया है। अलका जी, वैसे जब मैं गाती थी और लिखती थी, आज से 20-25 साल पहले की बात बोल रही हूँ मैं, तब मैंने बहुत सारे वैसी फिल्मों में लिखा भी, गाया भी, धुन भी बनाई और काम भी किया, जैसे यूनिसेफ की फिल्में, बिहार शिक्षा परियोजना की फिल्मों, सब मैं बिहार में रहती थी, अब तो दिल्ली में रहना होता और दिल्ली से ही मैं दुनिया घूमती हूँ, सब जगह जाती हूँ, देश में भी विदेशों में भी, तो उस समय बहुत सारी फिल्मों में काम किया, तो लोगों ने मुझे भोजपुरी फिल्मों में काम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया, लेकिन मेरे अंदर कभी भी गायकी को छोड़कर एक्टिंग की इच्छा रही नहीं। फिर भी बहुत ज्यादा दबाव में और बहुत किसी आदरणीय लोगों के कहने पर मैंने एक दो भोजपुरी फिल्मों में अच्छा साफ सुथरा रोल किया, काम किया। किसी में यंग ठकुराइन का रोल किया, किसी में कुछ किया, तो अच्छा तो बहुत लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत सराहा भी गया, लेकिन उसके बाद मेरी अभिरुचि उसमें नहीं है। मेरा मुझे लगता है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, बिल्कुल। तो इसको देखते हुए और उसमें जितना समय जाता है, उसमें समय बहुत जाता है। गायकी और लिखने में है कि आप एक हारमोनियम लीजिए, एक कागज कलम लीजिए और अपने कमरे में बैठ गए, लिख भी लिया, ट्यून भी बना लिया, गाया भी, फिर आप मंचीय कार्यक्रम में जाते हैं, एक दिन में आप गए, दो घंटा, चार घंटा, छह घंटा, जितना आपको देर का भी कार्यक्रम है, आप गाए चले आए, लेकिन वो महीनों महीनों का शेड्यूल सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अब मेरी रुचि बहुत ज्यादा नहीं है उसमें। बिल्कुल। और वैसे भी क्या है कि ये काम जो है तो पूरी तरह से अपना काम होता है, कि हमारा मन किया, अभी हमने काम किया, हमारा मन किया, हमने नहीं किया। वैसे भी ऐसा कहा माना जाता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं, जो इस तरह के प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, वो थोड़े मन के वो होते हैं, मतंगी होते हैं सही बात है, मतलब एक फकीराना अंदाज होता है। बिल्कुल, आप उन्हें जैसे हवा को बांधा नहीं जा सकता है, वैसे उन्हें आप बांध नहीं सकते हैं। ये तो बात सही, मेरे घर में भी सब लोग बोलते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपके गीतों में आप हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें जो बात चल रही है उसमें ये भी है कि आपके गीतों में जो है वो सामाजिक बदलाव की भी हमें आहट सुनाई पड़ती है, उसमें जो बहुत से कुरीतियां हैं उन पर भी चोट आप करती हुई दिखती हैं, तो किसी भी गीतकार या गायक के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो वो सामने देख रहा है समाज में और उसे लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं अगर घट रहा है तो उस पर वो अपनी कलम भी चलाए, और अगर वो धुन बनाता है तो धुन भी बनाए और वो गाए भी, तो इस क्षेत्र में भी आपने काम किया है? मैंने बहुत काम, बहुत तो नहीं कहूंगी लेकिन काम करती रहती हूँ। अभी हमारे प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं और जो मुद्दे अभी मुखर हैं, प्रखर हैं, उन मुद्दों पर और इससे पहले भी
जैसे दहेज पर, दहेज के खिलाफ बहुत मन रोया मेरा, बहुत लिखा मैंने, बहुत लोग गीत गाए, कोई माध्यम जब नहीं मिलता था, रेडियो मिलता था, रेडियो में ही गाती थी मैं, फिर कन्या भ्रूण हत्या पर लिखा, बेटी के जन्मोत्सव पे लिखा, कुपोषण पे गाने के लिए, कुपोषण पे काम करने के लिए मुझे प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले पत्र भेजा। अच्छा, तो मैंने उस पर भी बहुत काम किया और कर रही हूँ। आप कहिए तो मैं दो, हाँ, बिल्कुल निश्चित दो लाइन सुनाऊं। बिल्कुल सुनाइए। जैसे हमारे कुपोषण की शिकार महिलाएं आज भी हैं और गांवों में नहीं ध्यान देती हैं, महिलाएं ये नहीं समझती हैं कि सिर्फ परिवार जुटा लेने से और घर में सिर्फ पुक बन के रह जाना मात्र नहीं है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कितना खुराक चाहिए, कितना पोषण। बिल्कुल, वो सबका, सबको खिलाती हैं तो कम से कम वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो एक नौटंकी स्टाइल में मैंने एक सोचा, अब आप बताइए कि कैसा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूध दही फल दाल सब्जी इनको पूरा चाहिए, गर्भवती को खूब खिलाओ, जच्चा बच्चा स्वस्थ हो, गर्भवती को खूब खिलाओ, जच्चा बच्चा स्वस्थ हो। इस तरह से ये नगाड़ा नक्कारे पर की चीज है, वहां से एकदम नक्कारा डम 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 बजता हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह का स्वरूप देखे, जो कि सीधा सीधा जितना सरल होगा उतना जुड़ेगा, उतना लोगों से जुड़ेगा, इस लिहाज से मैंने ये इसको बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कन्या भ्रूण हत्या पर, वो कन्या जो जिसकी हत्या होने वाली है या हो गई, या वो माँ के पेट में क्या दर्द महसूस करती है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो क्या बोलती है, ये है, इसको 2-4 लाइन बिल्कुल सुनाइए। अम्मा बाबा हमें भी देखने चाहे दुनिया, हमें भी तो तारी अंश हो। ये थोड़ा खड़ी बोली के करीब रखा है, ठीक है, हाँ, कि हर जगह के लोगों को समझ सके। हाँ, अम्मा बाबा हमें भी देखने चाहे दुनिया, हमें भी तो तारी अंश हो, कोख में ही मोहे काहे मरत हो, हमसे चले ना काहे बंस हो, कोख में ही मोहे काहे मरत हो, हमसे चले ना काहे वंश हो। फिर बेटी बेटे का जो फर्क है उसमें कहती है, बेटा तेरा चाहे लाख कपूता, कपूता कपूता, बिल्कुल बिल्कुल, बेटवा तेरा चाहे लाख कपूता रखते हो छतिया सटाए हो, हमको दहेज के टुकड़े थमाकर नरक में करते विदाई हो, हमको दहेज के टुकड़े थमाकर नरक में करते विदाई हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही अब देखिए यहाँ बेटी का दर्द ये है और कहीं बेटी हुई है वहाँ का उत्सव, इसको मैं अभी रिकॉर्ड करने वाली हूँ, अभी बना ही है हाल फिलहाल में, बना तो बहुत सारा गीत है पर ये मुझे अभी सुनाने का मन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वंदन वार सजाओ
ढोल नगाड़ा बजाओ बजाओ घर में बेटी बड़ी, घर में बेटी बड़ी। ढोल नगाड़ा बजाओ वंदन वारे सजाओ सजाओ घर में बेटी बड़ी, घर में बेटी बड़ी है। सबका मुंह मीठा कराओ सबका मुंह मीठा कराओ कराओ घर में बेटी भाई, घर में बेटी भाई। निश्चित रूप से, और यही सकारात्मक बदलाव है ना कि वो जो था तो इतना दुखी कर देने वाला था, और ये जो है एक उत्साह है। ये कन्या जन्मोत्सव जन्मोत्सव के लिए, और वो माँ भी तैयार है और बेटी निश्चित रूप से जिसका स्वागत इतने अच्छे से होगा फिर वो क्या नहीं कर सकती। आपको लगता है ये गीत लोगों को बहुत पसंद बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल, और बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर लाइव सुन रहे हैं और रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं का, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। उद्देश्य है आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का। हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। हिंदी के श्रोता हमारा ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है letsconnect23nsd@gmail.com। आज हमसे बातचीत कर रही हैं बहुभाषी लोक गायिका विजया भारती जी, और मैं हूं अलका सिंह। और निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता हैं वो भी बहुत आनंदित हो रहे होंगे क्योंकि ये प्रोग्राम जो है हमारा बड़ा कलरफुल हो गया है। तो आपके आप अभी जो हमने गीत सुना, और अभी जो पिछले वर्ष हमने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई, और आपने भी उसमें भोजपुरी गीतों में गान दी जी, है ना, इसको लेकर के कई प्रस्तुतियां दी, तो ये क्या था ये? ये जब प्रस्ताव मेरे सामने अलग अलग माध्यमों से, संस्कृति मंत्रालय से और माध्यमों से जब आया तो मुझे बड़ा रोचक काम लगा। पहले भी मैंने गांधी जी के तो बहुत सारे गीत गाए, देशभक्ति गीत मैं बहुत सालों से गाती रही हूँ, लिखती रही हूँ, शहीदों पर लिखती रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने फिर बिहार उत्तर प्रदेश के गांवों में जाकर 1-1.5 महीने रहकर गीतों की खोज की, बड़े बुजुर्गों से, इतने वृद्ध लोगों से मैंने गांधी जी के आजादी के समय में किस तरह के गीत लिखे जाते थे तो उस तरह के गीतों को कलेक्ट करके ढेर सारा संकलन तैयार किया और उस पर मैंने बहुत सारी प्रस्तुतियां दी। तो उसमें बहुत तरह तरह के बहुत मजेदार सब गीत थे, एक एक दो लाइन में सुनाती हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मोरे टूटे न चरखा के तार चरखा चालू रहे, मोरे टूटे न चरखा के तार चरखा चालू रहे हो चालू रहे, मोरे चरखा के टूटे न तार चरखा चालू रहे, सेना साथी मने बाराती बैंड बजाओ रे घोड़ा हाथी, अरे दुल्हन बनी सरकार चरखा चालू रहे, मोरे चरखा के टूटे न तार चरखा चालू रहे। बहुत बढ़िया, बहुत और अलका जी इस क्रम में मुझे एक गीत मिला, दो ही लाइन मिला, बट कितना कैची लाइन था वो कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैं उसमें ये लोभ बिना छोड़े हुए उसको मैंने अपने तरफ से उस गीत को पूरा करके गा दिया। बहुत सिंपल, बहुत सबको जोड़ने वाला। बिल्कुल सुनाइए। एक छोटी चवलनी चांदी की जय, बोलो महात्मा चांदी की, एक छोटी चवलनी चांदी की जय, बोलो महात्मा गांधी की। मुझे इतना ही मिला। हा, हा, हा। अब आगे बिल्कुल मेरी तरफ से। हा, हा। मुनिया की कुर्ती खादी की, सैया की पगड़िया खादी की, अब मैं भी चरखा काटूंगी
है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। छोटी चवन्नी चांदी की जय, बोलो महात्मा गांधी की। बहुत बढ़िया। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात भी जो की थी, और जो पहले मन की बात थी उसमें भी उन्होंने लोगों से यही अपील किया था कि आप एक भी चीज, वो चाहे एक रूमाल ही क्यों ना हो, हाँ, है ना, वो जरूर आप खादी का रखें और उसका उपयोग करें, क्योंकि इससे क्या है कि हमारी जो वो जो चीजें जो खत्म हो चुकी हैं, है ना, उसमें लोगों को एक रोजगार का भी अवसर है, दूसरा है कि एक आत्मविश्वास की बात आती है और वो जुड़ता है, वो जो रेशा रेशा जब जुड़ता है तो देश बनता है। तो आपने तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा समा बांधा, और हमारी जो है कंसोल पे जो है वो भी बहुत एकदम भाव विभोर होकर के आपको सुन रही है। तो हमारा भी उद्देश्य यही रहता है कि हमारा जो कार्यक्रम हो उसमें हम किसी भी जो हम व्यक्तित्व को लेकर के आते हैं और जो हमारे मेहमान होते हैं, हमारा उद्देश्य केवल इतना रहता है कि उनके जीवन से उनको जो उनको अगर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या जो संघर्ष उन्होंने किया या अगर उन्हें सब कुछ बहुत आराम से मिल गया, जो भी कुछ हुआ, तो किस तरह से वो यहां तक जहां तक वो पहुंची हैं, जिस मुकाम तक वो पहुंची हैं, वो कैसे पहुंच पाई, इसके बारे में हम लोगों को बताएं और उन्हें भी वो प्रेरणा मिले और वो जो करना चाहती हैं वो किसी भी उम्र में कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकती हैं। मैं इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूं और पूरी जिंदगी का संघर्ष झेलने के बाद आज मेरी दो पंक्तियां हैं जो आप सबके लिए हैं और मेरे लिए हैं, कि जितना गम उतना दम। वाह, ये मैं बोलती हूँ अपने तरफ से, कि जितना गम उतना दम, और गम को तो आप पटक पटक के मार के खुशी में बदल दीजिए, ये मैं कहूंगी। बहुत संघर्ष करना पड़ा मैंने, लेकिन सारे संघर्षों के बाद, सारी गरीबी के बावजूद, ट्यूशन पढ़ाकर, स्कॉलरशिप लेकर, स्कूल की फीस माफ करवाकर, कॉलेज की फीस माफ करवाकर भी मैंने डबल एमए किया, संगीत से एमए किया, हिंदी साहित्य से एमए किया, संस्कृत से ऑनर्स किया, विद्यावाचस्पति किया, और बनारस जाकर बहुत बड़े गुरुओं से शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली। जी, बिल्कुल। तो ये सब किया और उसके बाद सफर जारी है और आज भी सीखती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल पूर्ण हो गई, प्रकांड हो गई, बिल्कुल अंत नहीं है। संगीत तो समुद्र है, बिल्कुल उसमें से दो बूंद भी मिल जाए तो बहुत है। अब मुझे लगता है मुझे अभी दो ही बूंद मिला है मुश्किल से, अभी बहुत ज्यादा कुछ पाने की लालसा और प्यास है मुझमें। बिल्कुल, और ये जो प्यास होती है ना, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर प्यास खत्म हो जाती तो आस भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर लाइव सुन रहे हैं और रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं का, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा है। उद्देश्य है आपसे जुड़ने का और आपको जोड़ने का। हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। हिंदी के श्रोता हमारा ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है letsconnect23nsd@gmail.com। और आज हमसे बातचीत कर रही हैं विजया भारती जी और मैं हूं अलका सिंह। और जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है वो तो लोग सुन ही रहे हैं कि बहुत अच्छे से, बड़ी मस्ती से, बिल्कुल आनंद आ रहा है। और अपने सारी सखियों को देख नहीं रहे हैं लेकिन सबको, लेकिन आवाज की दुनिया है, बिल्कुल महसूस करें जुड़ाव, क्योंकि संगीत हमें, जो हमारा लेट्स कनेक्ट है ना, वो बड़े आसानी से संगीत हमें कनेक्ट कर देता है। और ये वाली बात है कि आपने, आपकी एक कविता संग्रह भी आई है ना, रंग पिया का सोहना। जी, अभी अक्टूबर 2019 में वो उसका विमोचन हुआ और गोवा के उस समय के गवर्नर मृदुला सिन्हा जी ने किया। और किताबें तो मेरी कई तैयार हैं हिंदी रचनाओं की और भोजपुरी रचनाओं की भी, मैथिली रचनाओं की भी। बहुत बढ़िया, बस क्रम से उनके आने की देर है। एक रचना संग्रह भी आई है और बारी बारी से मेरा प्रयास है कि जल्दी आए बाकी संग्रह भी। बिल्कुल, और ये भी सवाल आपसे जरूर हम पूछेंगे कि इतनी व्यस्तताओं के बाद भी, जी, मतलब इतना जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, कई देशों में आप जाती हैं, अपने देश में भी कई जगह आप जाती हैं अपने प्रस्तुति के लिए, तो ये जो मतलब अगर हम घर की बात करें और बाहर की बात करें,
तो दोनों मोर्चों पर आपने फतह हासिल तो कर ही ली है, तो ये कैसे संभव हो जाता है? संभव देखिए अलका जी, थोड़ी कठिनाइयां तो होती हैं, थोड़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन मेरे बारे में मुझे जानने वाले लोग कहते हैं कि विजया जितना बाहर है, कलाकार है, जिस तरह से प्रतिभाशाली है, उतनी ही घरेलू भी है। ये मेरे बारे में लोग कहते हैं। तो मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है, तो ये शौक जो है ना, मुझे कहते ना कि साधा तो आधा, अच्छा तो मैं निभा लेती हूँ, मदद के लिए किसी को रखती हूँ घर में, घर के कामों के लिए, लेकिन बाकी चीज मैं निभा लेती हूँ। और अब जाके जिंदगी इस मामले में आसान थोड़ी हो गई है कि पहले जितना विरोध, जितना कष्ट, जितना संघर्ष झेला वो आज नहीं है। आज पति और बच्चों से बहुत सहयोग मिलता है, बहुत, मतलब उनका मेरे विषय में साथ सहयोग ना मिले लेकिन बहुत साथ मिलता है। बेटा मेरा कलाकार है, बहुत अच्छा गाता है, तो वो समझता है, तो वो खुद एक रोज उसका तो मेरे से भी ज्यादा उसके प्रस्तुतियां होती रहती हैं, बिल्कुल, तो वो समझता है इस बात को। लेकिन उस सब करते हुए मैं घर में, जैसे अभी यहाँ आई हूँ तो मैं पूरा इंतजाम करके खाने की, बिल्कुल ये तो बिल्कुल हम सबको करना पड़ता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो इतना कुछ हो जाता है कि अगर हम ना भी रहें तो हमारी कमी वैसे ना खले। लेकिन एक बात और है कि इस तरह से महिलाएं अपने ऊपर अतिरिक्त बोझ भी डाल लेती हैं। नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगी महिलाओं से, मैं स्पेशली ये कहूंगी कि मैं ये सब करते हुए भी अपना भी उतना ही ख्याल रखती हूँ, और अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हरी साग सब्जी खाती हूँ, फल खाती हूँ, बिल्कुल दूध दही खाती हूँ, और थोड़ा बहुत समय निकाल कर वॉक भी कर लेती हूँ, टहल भी लेती हूँ। तो आप भी जरूर अपने ऊपर जरूर ध्यान रखें, और सिर्फ घर तक रहना या पढ़ लेना या लिख लेना या कुकिंग कर लेना तक जीवन सीमित नहीं है। अब तो सरकार की तरफ से कितने सारे सुविधाएं और बहुत सारी चीजें हैं, महिलाएं स्वस्थ होंगी, परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा, समाज होगा तो देश होगा, देश होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सब कुछ मिला के सबको ही चलना सीखें। बिल्कुल, जो हम पूछना चाहते थे वो आपने जवाब दे ही दिया कि मतलब एक स्वस्थ तन और मन बहुत जरूरी है अगर आप काम करना चाहते हैं तो, है ना। नहीं तो फिर अगर आप बीमार होंगे तो निश्चित रूप से ना अच्छे ख्याल आ पाएंगे और आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये होता है कि अक्सर कहा जाता है, वैसे ये भी बता चुकी है लेकिन जरा थोड़ा खुल के बताइए कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अति सफल महिला के पीछे भी कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, अति सफल महिला के पीछे दुर्भाग्य से कोई गॉडफादर नहीं मिला मुझे, किसी का ऐसा कोई हाथ अभी तक सर पे नहीं मिला जो मैं अगर दो कदम चल रही हूँ तो वो कहे कि हाँ तुम्हें दो कदम और चला देता हूँ, चला देती हूँ, कोई भी ऐसा। लेकिन मेरे कार्य को सराहने के साथ साथ जो भी मुझे रास्ते मिलते जा रहे हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, आप जैसे लोग मिलते हैं, तो हौसला बहुत बढ़ता है। बात रही परिवार में साथ की, तो आज के समय में घर में मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर बोलती हूँ, मेरे पति का बहुत साथ मिलता है मुझे, और जब से वो मेरे जीवन में है तब से मैंने बहुत मन से और बिना किसी तनाव के अपने दिशा में अपने विषय पे काम किया करती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे, एक गरिमा और एक भव्य, अच्छा, दोनों ही संगीत से जुड़े हुए हैं। भव्य तो बाकायदा एक व्यावसायिक रूप से अपने इसी में आ गया है, वो गायक है, तो वो बच्चे बहुत समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत सहयोग करते हैं, मेरी हर उपलब्धि पर वो लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात होती है हर किसी, मतलब किसी भी महिला के लिए, तो इस महिला के लिए बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप अंदर से खुश होते हैं, अगर आप घर से खुश होते हैं, तो निश्चित रूप से जो मुस्कुराता चेहरा घर से निकलता है वो रास्ते में भी, और फिर आपको कोई भी चीज बहुत मुश्किल नहीं लगती है और हर कुछ आपको आसान लगता है। बिल्कुल, तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि महिला समाज जिंदाबाद, और महिलाएं खूब खुश रहें, खूब बुलंद रहें, खूब अच्छे अच्छे कार्य करें, और एकदम देखिए पंचायत में जो है 50%, फिर बहुत क्षेत्र में 30%, तो निकले बाहर, राजनीति में आए, साहित्य में आए, संगीत में आए, और जहां जहां भी जो रास्ते मिलते हैं उस रास्तों पर निकलें और अपने वजूद को बहुत मजबूत बनाएं, बहुत बड़ा बनाएं,
और हम लोगों से जहां भी आपके लिए जो हो सकता है बिल्कुल हम करेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे, निश्चित रूप से लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम में आज हमने बातचीत की बहुभाषी लोक गायिका विजया भारती जी से। विजया जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चित रूप से बहुत ही आनंद आया आपसे बात करके, और ये संगीतमय बातचीत हो गई। और आज का कार्यक्रम यहीं तक, कल फिर किसी और विषय पर किसी अन्य मेहमान से भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अलका सिंह को, नमस्कार।